सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नेस्को एक गजब की कंपनी, और आप ऑफिस से जब घर जाते हैं तो रास्ते में ही आता है, और ये एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है। पहले वैसे ही मैंने एक ग्राउर एंड विल भी दिया था, वो भी रास्ते में ही आता है। और जिस तरीके से अनिल जी इवेंट्स हो रहे, और आप तो हर हफ्ते, मुझे लगता है कि हर वीकेंड पे दो दो तीन तीन इवेंट्स आपको करने पड़ते, तो ये समझ में आने लग गया कि जब ओपनिंग अप हुई है तो ओपनिंग अप में बाकी चीजें खुलती है, और बाद में ये जो अब इवेंट्स हो रहे हैं, इनका फ्लो जबरदस्त हो रहा है, और आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी और अच्छा करेगी। और वेरी फ्रेंकली, ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैं पहली बार दिया, मैंने ये स्टॉक जेम्स में दिया था 19 अक्टूबर 2020 में, और तब भी आराम से टारगेट अचीव किया, और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया, और करेक्शन आने के बाद 695 भी पहले गया 700 के लेवल से, अभी 570 80 के लेवल से, तो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं इन लेवल्स में स्टॉक। और कंपनी का मैं थोड़ा सा डिटेल्स देता हूं कि देखिए, एक इंजीनियरिंग कंपनी थी और अभी भी इंजीनियरिंग डिवीजन इनका है, और उसके बाद जो इनकी प्रॉपर्टी उसको एनकैश करते हुए इन्होंने माइस में, मतलब जहां पे इवेंट्स एग्जीबिशंस और ये एग्जीबिशन सेंटर चलाना शुरू किया, और जो कि बॉम्बे के हर बड़े इवेंट्स वहीं होते हैं, और ओवरऑल इंडिया के भी और इंटरनेशनल भी कई इवेंट्स होस्ट होते हैं वहां पे, तो मुझे जो लगता है कि रिकवरी का जो बेनिफिट है वो और मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है, इनके यहाँ पे जो रेंटल्स की जो इनकम है बहुत ही मजबूत, मतलब कमर्शियल्स उनसे आती है, रियल एस्टेट कंपनीज है और आपके ITS जो कंपनीज है, और बहुत बढ़िया इनके MNC पार्क्स बने हुए हैं, IT पार्क्स डिविजन का बहुत बड़ा इनका रेवेन्यू है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया रिकवरी वाला कैंडिडेट है, और सबसे बढ़िया बात है बॉटमिंग आउट प्रोसेस देखे तो अच्छा खासा नीचे से बॉटम आउट होके और ऊपर भी और नीचे भी बहुत ज्यादा ये जाने वाला स्टॉक, ऐसा लगते नहीं कि 520 25 50 ये रेंज है जहां पे ये रुक जाता है, और फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग। और करीब आप देखें तो पिछले अगर 7 साल के अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 9-10% से कंपनी ग्रो की है कंटिन्यूअसली, 15-16% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और सबसे बढ़िया बात है रिकवरी की साइंस पूरी दिखी है। मार्च 2020 वाले जो क्वार्टर है उसमें 54 करोड़ का पैट था, 2021 में 40 करोड़ का पैट था, तो उसके सामने 54 करोड़, पिछले 7-8 क्वार्टर पोस्ट कोरोना ये बहुत बढ़िया क्वार्टर गया है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके से FIIs DIIs का भी इसमें अच्छा खासा स्टेक है, 6-7% करीब FIIs DIIs होल्ड करते हैं, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 69% शेयर होल्डिंग है, तो ये स्टॉक काफी दिनों बाद जो रिकमेंड किया, क्योंकि रीजन है कि माहौल पहले था नहीं देने का, और अब जिस तरीके से रिकवरी आ रही है और डिमांड भी आगे आने वाले दिनों में दिखेगी प्री कोविड के लेवल्स में, तो ये कंपनी क्वार्टरली करीब 70-75 करोड़ रुपए भी कमाई हुई है, तो इस तरीके की ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में दिखेगी, और मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे ले और 630-650 का टारगेट के लिए